सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। ये एक सवाल मुझसे हर रोज बहुत सी महिलाएं पूछती है। प्रेगनेंसी के बाद पीरियड कब तक आ जाते हैं? कुछ बोलती है मुझे 6 महीने से नहीं आए, कोई बोलती है मुझे 15वें दिन ही आ जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में प्रेगनेंसी के बाद पीरियड की पूरी जानकारी दूंगी, जिसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जानते हैं बच्चे के बाद पीरियड कब तक आ जाने चाहिए और पीरियड आने से पहले क्या दोबारा गर्भ रुक सकता है या नहीं। तो पहले जानते हैं बच्चे के जन्म के बाद पहली माहवारी कब तक शुरू हो जानी चाहिए। ये सभी महिलाओं में अलग अलग हो सकती है। कुछ महिलाओं के 6 महीने बाद या कुछ महिलाओं के 1 साल तक नहीं आती है। अगर आपके भी बच्चे के बाद 1 साल तक बिल्कुल भी पीरियड ना हो या कम हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। इसका कारण है स्तनपान। माँ जो अपने बच्चे को स्तनपान करवाती हैं, उन्हें पीरियड्स देर से होते हैं। जितना अधिक आप अपने बच्चे को स्तनपान करवाएंगी उतना ही ज्यादा समय पीरियड्स को सामान्य होने में लगेगा, क्योंकि महिला में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स यानी दूध का उत्पादन करने वाला हार्मोन महिला में ओव्यूलेशन को बिल्कुल कम या बंद कर देता है। इस वजह से पीरियड आने की संभावना कम हो जाती है। ये बहुत ही आम सी बात है और इसमें घबराने की भी कोई बात नहीं है। कई औरतों को स्तनपान करवाने की वजह से 6 महीने या 1 साल बाद पीरियड आते हैं। जब आप दूध पिलाना बंद कर देंगी तब आपके पीरियड सामान्य रूप से लौट आएंगे, लेकिन आप इस दौरान बिना प्रोटेक्शन के संबंध मत बनाए, वरना बिना पीरियड के भी गर्भ रुक सकता है। इसलिए यदि आप संभोग शुरू करने के साथ गर्भ निरोध का इस्तेमाल शुरू नहीं करती हैं, तो अपनी पहली माहवारी आने से पहले ही आप गर्भवती हो सकती हैं। अगर आप शिशु को स्तनपान करा रही हैं, तो इस भ्रम में न रहें कि आप अभी गर्भधारण नहीं कर सकती। स्तनपान कराने वाली बहुत सी माएं अनियोजित गर्भधारण कर लेने से आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अब जो महिलाएं पूछती है कि डिलीवरी के बाद या वैसे ही मुझे पीरियड महीने में 2 बार आते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये जरूर चिंता वाली बात है। इसका कारण है हार्मोन असंतुलन। प्रत्येक महिला के शरीर में 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन। इन तीनों में से अगर महिला अधिक तनाव में रहती है तो पहले 2 हार्मोन पर सीधा असर पड़ता है, जिसके कारण महिला के मासिक धर्म में अनियमितता होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी अधिक व्यायाम करने के कारण भी महिला को मासिक धर्म की अनियमितता की शिकायत हो जाती है। अधिक व्यायाम करने से महिला के शरीर में उपस्थित एस्ट्रोजन हार्मोन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे मासिक धर्म रुक जाते हैं और महिला को मासिक धर्म की अनियमितता की समस्या का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म की अनियमितता महिला के खानपान में असंतुलन के कारण भी हो जाती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने ब्लड टेस्ट के जरिए ये पता करे कि इन तीनों में कौन सा हार्मोन्स कम या अधिक है। आपकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर आपको 1 या 3 महीने के लिए दवाई दे देगा, जिससे आपकी माहवारी नॉर्मल हो जाएगी। अगर माहवारी से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, और मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटी को भी दबा दे, जिससे मेरी नई वीडियो अपडेट होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।